नमस्कार सिटी न्यूज़ के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है और जैसा कि कल एक बहुत अच्छी खबर अमरावती शहर के लिए लिए थी कि अमरावती के चार कोरोना मरीज जो पहले सबसे पहले दो तारीख को जिनकी मौत हो गई थी उनके परिवार के चार लोगों को कल अमरावती कोविड अस्पताल ने सुधार कर घर भेज दिया है और इस समय जो वहाँ पर माहौल था उसमें चार लोगों को घर जाने की खुशी तो थी साथ ही एक ऐसी महामारी जिससे पूरा विश्व लड़ रहा है उस महामारी से वो ठीक हो गए थे और जिन लोगों ने उनको ठीक किया उन डॉक्टर के चेहरे की भी मुस्कान कल देखने लायक थी क्योंकि हमारे यहाँ से जब कोई कोई भी अस्पताल से कोई मरीज जब ठीक होके जाता है तो निश्चित उस डॉक्टर के दवाखाने में वहाँ के स्टाफ में वहाँ के लोगों में सब में एक उत्साह का वातावरण निर्माण हो सकता है कि हम ये जंग भी लड़ सकते हैं और कोरोना वह महामारी है जिससे पूरा विश्व लड़ रहा है जिसकी कोई दवा अभी तक बनी नहीं दवा कई बार लोग दवा के बारे में कई सारे प्रश्न पूछ लेते हैं कि दवा बनी नहीं तो लोग ठीक कैसे हो रहा है दवा बनाने का मतलब जो वैक्सीन बनाई जा रही है जिस चीज़ के लिए अभी पूरी खोज जा रही है जिसको समय लगेगा कि यह बीमारी ना हो उसका टीका आपको लगा लिया जाए उसका इंजेक्शन लगा लिया जाए उसका डोज दे लिया जाए जिसमें ड्रॉप में आता है इंजेक्शन में आता है टैबलेट्स में आता है वो दवा बनने की है इलाज तो ऐसा है जो हाथ में भी आप धो रहे हो तो उसके प्रोटीन्स नष्ट हो के वो भष्ट हो ही रहा है जो वायरस है सैनिटाइजर भी उपयोग कर रहा है तो दवाई भी कहीं ना कहीं जो प्राथमिक स्टेज पे लोग हैं जिनको टेस्ट किया जा रहा है मालूम पड़ जा रहा है ऐसे लोग पूरे विश्व में ठीक हो रहे हैं पूरे भारत में भी हो रहे है। और कल अमरावती में भी हमारे यहाँ चार लोगों को ठीक करके घर भेज दिया गया और घर जाते समय जब पूरा स्टाफ उनको जब वहाँ से विदा दे रहा था तो सबके चेहरे पे मुस्कान थी सबके चेहरे पर संतोष था कि हमने इतना बड़ी महामारी से लड़के भी हमारे यहाँ के चार लोगों को बचा लिया आइए देखते हैं कल के उस जगह के कुछ पल वहाँ पे लोगों ने कैसे महसूस किया आइए वो जनता के लिए और सभी का आभारी है सभी का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सभी लोगों ने हमको कॉपरेट किया डॉक्टर ऐसी ये कोरोना से ठीक हुए हुए मरीज है और ये इनके साथ में पूरा वहाँ का स्टाफ है जो लगातार पिछले पंद्रह दिनों से इनके सेवा शुश्रूषा लगा था इनको ठीक करने के लिए लगा हुआ था अभी आपने देखा कि किस प्रकार से हमारे अमरावती का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से संतोषजनक था लेकिन उसके बाद और चार पेशेंट अमरावती में पाए गए और दो कल रात में पाए गए टोटल छः पेशेंट और एडमिट हो गए जहां चार की रवानगी हुई वहीं पे छः लोगों को और उनको इलाज के लिए लाना पड़ा अमरावती में जो पांच लोगों की मौत हो गई है जिनका आज तक पता नहीं लगा कि इनको कोरोना का संक्रमण किससे हुआ था तो अमरावती की निश्चित अमरावती के लिए स्थिति बहुत अच्छी नहीं है अमरावती अब जिस हिसाब से आंकड़े अमरावती के बढ़ रहे हैं अमरावती रेड जोन की तरफ बढ़ गया और करीब करीब रेड जोन में आ गया और रेड जोन को जो उसके लिए कड़ाई वापरनी पड़ती है सरकार उसके लिए पूरी तरह प्रयत्नशील हो गई है आज सुबह ही वहाँ पर कंटेनमेंट जोन में पुलिस ने अपना पूरा मार्च किया इस मार्च में आर सी सी पथक क्यू आर टी पथक नागपुरी गेट थाना का पूरा स्टाफ खोलापुरी गेट का स्टाफ और कुछ स्टाफ सिटी कोतवाली का और पी आई सहित पूरा का पूरा सौ लोगों ने पूरे क्षेत्र में मार्च किया यह मार्च नागपुरी गेट से लेकर पठान चौक छाया नगर ताज नगर से होता हुआ नगर होता हुआ पूरा का पूरा वापस करीब पौन घंटा एक घंटा यह पूरा क्षेत्र में मार्चिंग करते रहे और लोगों को अलर्ट करते रहे कि पुलिस पूरी तरह सज्ज है कृपया घर से बाहर ना निकले क्योंकि अब स्थिति ऐसी होगी अमरावती पहले पुलिस ने भी काफी ढील दे दी प्रशासन ने भी काफ़ी ढील दे दी क्योंकि पहले तो हमारे यहाँ कोई मरीज था ही नहीं लेकिन दो तारीख को जिनकी मौत हो गई पाँच तारीख को उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आती है उनके साथ में उनके परिवार के चार पांच लोग और जुड़ जाते हैं तो ऐसे समय में अमरावती में खतरा थोड़ा सा बढ़ गया था लेकिन फिर भी वहाँ तक छः लोगों तक हमारा मामला रुका हुआ था लेकिन पिछले तीन दिन में यहाँ पर और ज़्यादा बहुत ज़्यादा मरीज़ मिलने से टोटल आंकड़ा सोलह का हो गया और सोलह का आंकड़ा निश्चित अमरावती के लिए बहुत बड़ा आंकड़ा है सोलह के साथ में अमरावती में पाँच लोगों की मौत होगी जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा सोलह लोगों के पीछे पाँच लोगों के मौत का होना बहुत बड़ा आंकड़ा है और इस आंकड़े को देखते हुए सरकार ने अपने जो प्रयास है वह बढ़ा दिए जो सिक्योरिटी के प्रयास है बढ़ा दिए कल ही हमने जैसे बताया था कि पूरा क्षेत्र एक कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया एरिया भी कल हमने आपको बताया था कि मोलापुरी गेट से लेकर तो जवार गेट तक पूरा पूरा वो भाग जवार गेट से लेके इतवारा बाजार इतवारा बाजार से पूरा सीधा रास्ते से जाते हुए नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन पुलिस स्टेशन से होते हुए पीछे भातकुली रोड पे विद्या निकेतन और उधर से हनुमान नगर जाकिर कॉलोनी होते हुए असोरिया पेट्रोल पंप का पूरा सामने का भाग और वापस चांदनी चौक पर आ इतना भाग पूरा पूरा कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया और इसी प्रभाग में आज पुलिस ने वहाँ पर मार्च किया दुण। 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 तरवाजा दूसरा फाइले। 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 फाइले करना दे। वापस दे। वापस वापस दे कर दे। बोल वापस दे। वापस दे फटा। बोल नर्वस। बोलना निकालना याद है। इस प्रभाग के बाहर और अंदर आने जाने की मनाई कर दी गई यहाँ तक कि मीडियाकर्मी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है कलस्टर झोन में तो पुलिस वाले को भी जाने की परमिशन नहीं आज जब हम बात कर रहे थे कि भाई कहाँ कहाँ आप लोगों ने दौरा किया तो क्लस्टर झोन उन्होंने छोड़ दिया था कि उसमें बार 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 पूरा दौरा किया वहाँ पे इतना अभी कड़ाई से पालन हो रहा सरकार और प्रशासन और ज़्यादा प्रयास कर रहे इसमें आज जैसे सुबह ही खबर आ रही थी कि केंद्र सरकार ने कई प्रतिष्ठानों को कई जगह ऐसे खोलने की अनुमति दे दी जो आ, कंटेनमेंट जोन में नहीं है जो प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है वहाँ से बाहर जाके महानगर पालिका में दुकानें खोल सकते हैं ग्रामीण में जहाँ पे कोई मरीज नहीं वहाँ पे दुकानें खोल सकते हैं लेकिन अमरावती प्रशासन ने इससे साफ इनकार कर दिया कि अमरावती मनपा क्षेत्र के अंदर जो 20 तारीख के पहले नियम लागू थे वही नियम लागू रहेंगे किसी भी प्रकार से किसी को भी अमरावती में खोलने की अनुमति नहीं दी गई जिस कड़ाई से और जिस हिसाब से प्रशासन चल रहा है निश्चित रेड जोन की तरफ हम लोग जा रहे हैं और रेड जोन में जो उपाय योजना हो होनी चाहिए प्रशासन उसके लिए पूरी उपाय योजना कर रहा है और और इसके भी आगे उपाय योजना जाके करके जो सब्जी मार्केट होलसेल सब्जी मार्केट मनपा प्रशासन और जिलाधिकारी द्वारा चौबीस से सत्ताईस तारीख तक बंद किया था ये जो कॉटन मार्केट का एपीएमसी को जितनी भी जगह इन्होंने दी थी होलसेल बाजार जितना है चौबीस से सत्ताईस तक इन्होंने बंद किया था अब वो तीन तारीख तक यानी जब तक कर्फ्यू लागे जब तक केंद्र सरकार का कर्फ्यू चालू है महाराष्ट्र सरकार का कर्फ्यू चालू है तीन तारीख तक वह पूरी तरह से बंद कर दिया गया अभी सरकारी आदेश बस आ, आ ही रहे हैं तो तीन तारीख तक पूरा बंद कर दिया जाएगा पूरा पूरा ये क्षेत्र और जितना बीस तारीख को जो नियम लागू थे अमरावती में वही नियम लागू रहेंगे कहीं पर भी कोई दुकान खुलती हुई नज़र नहीं आएंगी बल्कि जो समय दो बजे तक का है शायद घटा के वह भी बारह बजे तक कर दिया जाए क्योंकि लोग आज भी देखिए बारह बजे के बाद भी बहुत ज्यादा लोग फालतू घूम रहे थे पुलिस को उनसे उठक बैठक करानी पड़ती कहीं पर गाड़ियां जब्ती है गाड़ी जब्ती के लिए जिला स्टेडियम पूरा दिया गया और यह गाड़ी जबती जब तक लॉकडाउन चलेगा जब तक वापस नहीं मिलेगी क्योंकि कोर्ट से वापस लेनी पड़ेगी कोर्ट भी इस समय पूरी तरह बंद है तो यह अगला आदेश जब तक नहीं आता गाड़ियां भी आपकी जब तक जब्ती रहेगी और भी आगे जाके प्रशासन इसमें काम कर सकती है कि जो टू व्हीलर अमरावती शहर में घूमती है हो सकता है टू व्हीलर पे भी पाबंदी आ जाए क्योंकि अमरावती में जिस ढंग से अभी चार दिन में बाईस तारीख के बाद में लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ी हुई है उसको देखते हुए लगता है कि प्रशासन और सख्त कदम उठाने की तैयारी में है सख्त कदम उठाने की तैयारी में जो लोग फालतू गाड़ियों पर घूमते थे अमरावती शहर में तो उनके टू व्हीलर पर भी अब पाबंदी टू व्हीलर वही चलेगी जिसके सामने पास लगा रहे जिसके सामने अनुमति रही ऐसा हो सकता है और प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन द्वारा निरीक्षण किया जाएगा ऐसा जब हमने जिलाधिकारी से बात की थी तो उन्होंने बताया था कि वहाँ पे उनको भी बहुत सारी सूचनाएं गई कि प्रतिबंधित क्षेत्र में बराबर कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है लोग घूमते रहे क्योंकि पुलिस की भी एक किलोमीटर रोड से घूमते जाएंगे लेकिन कहीं लोग झुंड बड़ा बनाकर खड़ा हो जाए कहीं घरों में बैठ जाए घरों में किसी के साथ बैठ जाए गच्ची पर जाके बैठ जाए तो जो एक डिस्टेंसिंग पालन करने के लिए सरकार ने नियम बनाए हैं वह डिस्टेंसिंग का कहीं तो भी उल्लंघन हो रहा है उस उल्लंघन को रोकने क्योंकि डिस्टेंसिंग का नियम इसलिए बनाया गया कि जो ये कोरोना का संक्रमण है ये साथ में रहने से संक्रमण से एक दूसरे को छूने से एक दूसरे से बात करने से ये फैलता है तो इस चीज़ को रोकने के लिए चूंकि अभी इसका कोई वैक्सीन बना हुआ नहीं है तो इसको रोकने के लिए आपको थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया है ना आपको हर व्यक्ति से बात करते समय तीन फुट की कम से कम दूरी हो सकता ये दूरी भी आगे बढ़ा दी उतनी दूरी रखनी ताकि आप अपनी भी सुरक्षा कर सके और आप में भी कोई यदि इन्फेक्शन हो तो दूसरे से भी उसकी सुरक्षा हो सके और मास्क कंपलसरी कर दिया अमरावती में कहीं से भी आप घर से बाहर निकलना तो आपको मास्क लगाना कंपलसरी है सैनिटाइज़र भी कंपलसरी लेकिन सैनिटाइजर को चेक करने के लिए कुछ है नहीं कि आपने सैनिटाइजर लगाया या नहीं लगाया लेकिन मास्क लगाना आपको बहुत जरूरी बिना मास्क के आप घर से नहीं निकल सकते ये उपाय योजना सरकार द्वारा की जा रही है कि ताकि अमरावती में और ज़्यादा कोरोना का संक्रमण नहीं फैले और ज़्यादा दूसरे एरिया में कोरोना का संक्रमण नहीं फैले अभी हालांकि जिस हिसाब से सरकार के प्रशासन की व्यवस्था है अमरावती एक टोट एक एरिया में सिमट के रह गया कि उससे ज़्यादा बाहर वहाँ से अभी कोरोना वायरस फैला नहीं है और यह रोकने के लिए सरकार जो प्रयास कर रही है मैंने बताया कि दो प्रयास तीन प्रयास और आज इसमें जुड़ गए सब्जी मार्केट जो सत्ताईस तारीख के बाद में खुलना था उसकी घोषणा तीन तारीख तक बंद की हो गई है और शायद हो सकता है कि टू व्हीलर पे भी आने जाने पर पाबंदी लग जाए शहर में फोर व्हीलर ऐसे भी जाए टू व्हीलर निकले तो साथ में प्राइवेट फोर व्हीलर को भी परमिशन नहीं रहेंगी उनको भी अनुमति नहीं रहेंगी उनको भी किसी कोई पास लेके जाना पड़ेगा कोई इमरजेंसी के लिए तो उसके लिए भी सुविधा रखी गई है कि इमरजेंसी में जाना है तो आपको कैसे रखना उसकी भी सरकार द्वारा पूरी सूचना दी जाएगी कि इमरजेंसी आपको तो आपको कहाँ से उसकी पास मिल सकती है और कैसे आप जा सकते हैं क्योंकि इमरजेंसी किसी को भी आ सकती है नहीं आ सकती ऐसा नहीं है लेकिन आपको अपनी गाड़ी पे यानी लाइसेंस पे भी अनुमति आसंस रहेगा कि आप ये गाड़ी चला सकते हैं जेब में आपने गाड़ी चलाने का लाइसेंस है ही है लेकिन साथ में आपको उस गाड़ी को भी बाहर लाने के लिए सरकार के तरफ से एक अनुमति दी जाएगी उस अनुमति के आधार पर ही आप वो गाड़ी बाहर निकाल सकेंगे यदि सही में ऐसा होता है ऐसा सरकार करती है तो निश्चित रूप से कि अमरावती में बहुत ज्यादा हम लोग इसका पालन कर पाएंगे क्योंकि निश्चित है कि ये सौ साल में पहली बार ऐसा माहौल आया कि जहां हमको घर में ही कैद रहना पड़ा मैं कैद शब्द इसलिए वापर रहा हूँ कि एक प्रकार की कैद ही है ये क्योंकि बाहर निकले तो पुलिस डंडे मारती है या उठक बैठक कराती है दंड करती है तो आप घर में खुद के कैद हो ठीक है घर में आप पूरी तरह से आपको आज़ादी की किस प्रकार से न लेकिन घर में भी आपको ये सारी चीज़ें पालन करनी है ताकि घर में भी यदि आप बाहर से आए हुए हो तो आपको इन्फेक्शन हो तो घर में भी इन्फेक्शन हो सकता तो वो भी चीज़ रोकने के लिए आपका घर से और भी निकलना कम हो सकता जो फेर फटके के लिए निकलते थे लोग जो घूमने के लिए निकलते थे कि अमरावती शहर में क्या चल रहा है हम देख के आते हैं राजकमल पर क्या चल रहा है देख कर आते हैं गाड़गे नगर में क्या चल रहा है चांदनी चौक पर क्या चल रहा है ऐसे सारे देखने वाले लोगों के लिए पाबंदी लाई जा रही है टू व्हीलर का शायद पूरी पाबंदी सरकार प्रशासन अमरावती उस पर ला दे सबसे धक्कादायक बात कि तीन कोरोना पॉजिटिव अमरावती में और पाए गए टोटल संख्या बढ़कर उन्नीस हो गई और तीन में से एक व्यक्ति की ऑलरेडी मौत हो चुकी है उसकी रिजल्ट है भाई टोटल मौत की संख्या अमरावती में छह हो गई है और टोटल उन्नीस लोगों कोरोना पॉजिटिव हुआ है जिसमें से अभी तीन रिजल्ट आज तेरह रिजल्ट आए उसमें से तीन रिजल्ट पॉजिटिव आए हैं एक व्यक्ति की कल मौत हो गई थी जिसके आज रिपोर्ट आई और उसमें हुआ रिपोर्ट पॉजिटिव आई है टोटल मरने वालों की संख्या छः छे और छो की कोरोना की जो रिपोर्ट आई है वो मरने के बाद में ये टोटल अमरावती की संख्या उन्नीस हो गई तीन के रिजल्ट अभी रिपोर्ट आई है तेरह लोगों के जिसमें रिपोर्ट आई टोटल उसमें से तीन पॉजिटिव पाए गए दस निगेटिव है विदर्भ के लिए मैं रोज़ बता रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी बात नहीं है कि उसका जो रिपोर्ट आती है वो मौत के बाद आती है मौत के बाद आने के बहुत सारे कारण हैं क्योंकि हम उस स्टेज में दवाखाने में एडमिट होते हैं जहाँ पे दवाखाने के पास में दो से तीन घंटे के अलावा कुछ नहीं रहता और रिपोर्ट आने में कहीं की भी रिपोर्ट प्रॉपर ना आपको भी यहाँ पे भी रहे आने में समय लग जाता है तो बार बार प्रशासन की ओर से सूचित किया जाता है डॉक्टरों को सूचित किया जाता है कि, कि किसी भी प्रकार के आपके मरीज़ में सिम्टम्स पाए जाते हैं तो कृपया उसको जनरल अस्पताल मैंने सरकारी अस्पताल में तुरंत वहाँ पे रेफर करे ताकि वहाँ जल्दी यदि रिपोर्ट उसकी जल्दी यदि उससे का टेस्ट ले लिया तो उसकी रिपोर्ट भी जल्दी आ सकती है क्योंकि क्योंकि अमरावती का भी जो पहला मरीज गया था वो उस मात्र तीन घंटे बाद उनकी डेथ हो गई थी और बाकी तो सबकी मौत घर पर ही हुई है घर से ही उनके सैंपल्स कई लोगों के मौत के बाद भी लिए हुए हैं मौत होने तक भी यदि सरकार को इस चीज़ की खबर नहीं पहुंचा सकते नहीं सूचना दे सकते या सरकार को भी खबर नहीं होती तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी चुक रही है साथ में नागरिक भी चुक रहे हैं और जिस परिवार में वह व्यक्ति बीमार है उस परिवार के लोगों की भी कहीं ना कहीं गलती हो रही है ताकि समय रहते यदि सूचना दे दी जाए तो हो सकता कि प्रॉपर इलाज से उसको बचाया जा सकते लेकिन उस समय दवाखाने में एडमिट होते उस समय सूचना दी जाती है या तो वह जब तक मर जाता है या वह दो से तीन घंटे में ही दवाखाने में उसकी डेथ हो जाती इसलिए हमारे यहाँ जो आंकड़े विदर्भ में आए ये सारे के सारे कोरोना पॉजिटिव मौत के बाद में मालूम पड़े ये यानी मौत के बाद में मालूम पड़े ये बहुत विस्फोटक स्थिति हो सकती क्योंकि जिस व्यक्ति को कोरोना हुआ और उसकी डेथ हो गई वो किसके संपर्क में आया किससे मिला क्या नहीं मिला ये खुद ही जानकारी दे सकता और हमारे यहाँ तो चार महिलाएं हैं मरने वाली घर में जो एक पंचानवे साल की एक पैंसठ साल की एक सत्तर साल की ऐसी महिलाएं हैं जिनकी घर पे डेथ हो गई है ये कहीं घर से बाहर भी नहीं गई थी तो निश्चित इनके घर पे जो आने जाने वाले लोग थे परिवार के अलावा भी हो सकते परिवार तो बाहर गए परिवार के तो सारे सैंपल्स देती उनके बाहर का भी और हो सकता है तो ऐसे में जाँच निश्चित निश्चित रूप से बहुत विस्तृत हो जाती है जब हमने आज प्रशासन से बात की तो प्रशासन ने क्लस्टर एरिया में पूरी घर घर जाकर कर छोटेप भी लेना चालू किया थोड़ा सा भी उनको यदि डाउट रहता है तो वहाँ पे घर पे जा कर सैंपल ले रहे हैं वहाँ पे आठ नंबर स्कूल में भी उसके लिए प्रोविज़न की हुई है तो इसमें सहयोग करें सैंपल लेने के लिए प्रशासन को सहयोग करें ताकि यदि आप में आज यदि मालूम पड़ता है जैसे पांच लोग ठीक होकर चले गए क्यों चले गए कि जिस दिन कोरोना पॉजिटिव उनके घर में पाया गया था इमीजिएट उसके परिवार के सारे के सारे सैंपल्स ले लिए थे तो उसमें उसी समय उनका इलाज शुरू हो गया जो भी उनकी ट्रीटमेंट शुरू करनी थी वो आइसोलेटेड थे तो आज हमने हमारे सामने उदाहरण है कि चार लोग घर पे ठीक होकर चले गए और ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ इससे ठीक हो सकता है यह सरकार ने भी प्रूव किया तो आपके पास भी यदि लगता है कि कोई आसपास पास में पड़ोस में आपके घर में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई शंका हो आपको कि इस घर में कोई व्यक्ति बीमार हो सकता है बीमार भी हो सकता है उसके बाद में किसी की अचानक भाई होती है सभी अभी कह रहे हैं कि किसी की हार्ट अटैक से डेथ हुई किसी की टीबी से डेथ हुई किसी की हुई लेकिन ऑलरेडी वो कोई ना कोई दवाई से सर्वाइव कर रहे थे और ये कोरोना के आने के कारण उन पर कोरोना का अटैक हो गया और वो जो बीमारी थी वो वो कोरोना के ऊपर कमजोर पड़ गई और कोरोना के कारण उसकी मौत हो गई तो ऐसे भी हो सकते आपके आसपास भी संदिग्ध मौत भी हो तो आप प्रशासन को सूचित कीजिए ताकि उनके परिवार को और उनसे जो मिलने वाले लोग हैं उनको बचाया जा सकता ये सबसे बड़ी समाज सेवा और सबसे अच्छा काम है कि हम इसमें जनता को बचाएंगे हमारे समाज को बचाएंगे। तो ही हम लोग आगे बढ़ सकेंगे और आपसे पुनः निवेदन है कि जो आपके यहाँ चेक करने को सरकारी कर्मचारी आ रहे हैं स्वास्थ्यकर्मी आ रहे हैं उनसे सहयोग करें उनको सही जानकारी दें यदि आपके घर में कोई बीमार है था चार दिन पहले था दो दिन पहले उनके पास जानकारी दे दीजिए दे वो भी जहाँ आवश्यकता लगती है वहीं स्वैब लेंगे सबके स्वैब नहीं लेंगे ऐसे चेक तो उनको पचास हजार लोगों करना पचास हजार लोगों के स्वैब नहीं लेंगे उसमें से कुछ यदि उनको भी डाउट होता है कि इसकी हिस्ट्री हो सकती है और एक परसेंट भी उनको डाउट गया है तो उनका स्वैब लेते हैं मनपा प्रशासन और जिलाधिकारी प्रशासन द्वारा हमारे इरविन अस्पताल द्वारा कोविड अस्पताल द्वारा पूरी इसकी व्यवस्था की जा रही है आपके घरों पर आके आपके घरों पे आने पूरे अमरावती के घरों पे नहीं जो कंटेनमेंट जोन है जहाँ क्लस्टर जोन है जहाँ पे ज़्यादा संभावना है कि यहाँ लोगों को कोरोना हो सकता है वहाँ सब लोगों की जाँचे जाकर जाँच की जाए तो आपसे निवेदन है कि आप सहयोग करें आज के लिए बस इतना ही आप देखते रहिए सिटी न्यूज़ आपको हमारा समाचार पत्र कैसा लगा हम हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और आप घर पे रहिए पूरे शहर को हम आपके घर पे आपके हाथ में लाकर देंगे पूरा देखने के लिए ये हमारा आपसे वादा है आप जो भी आपको लगता है कि अमरावती शहर कैसा चल रहा है इरविन अस्पताल के हाल कैसे है प्रशासन के हाल कैसे है नेता लोग क्या कर रहे हैं बाकी जनता क्या कर रही है समाज सेवा कौन कर रही कहाँ किसको कोई खाना दे रहा है सबका खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है किसी को खाना मिल रहा इन सब बातों की जानकारी हम हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहेंगे आपका भी यदि कोई कहीं रिश्तेदार फंसा हुआ कहीं भाई फंसा हुआ कहीं दोस्त फंसा हुआ उसकी भी जानकारी हमारे इस चैनल के माध्यम से कि वो सुखरूप है आप भी निश्चिंत रहिए पूरी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से देंगे बस आप घर पर रहिए सुरक्षित रहिए और इसी आशा के साथ इसी उम्मीद के साथ कि आप घर पर हो सुरक्षित हो खुद भी सुरक्षित हो दूसरों को भी सुरक्षित रहो आपसे विदा लेते हैं नमस्कार